हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अखिलेश एक बार फिर अपने चैनल पर आप सभी से जुड़ता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले बोलना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं। मैं अभी आपको ज्योग्राफी में पढ़ा था, पिछली बार स्ट्रेट पढ़ाया था यानी कि जल संधि, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों नदियों के बारे में, पढ़ लेते हैं वर्ल्ड में कौन कौन सी नदियां हैं, किस कॉन्टिनेंट में कौन सी नदियां हैं, कहाँ पे हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है, उनका उद्गम कैसे क्या, कहाँ कहाँ बहाव अपवाह तंत्र सब कुछ मैं बात करता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करते हैं। तो रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसी कॉन्टिनेंट में सारी कॉन्टिनेंट की आपके रिवर्स पढ़ाऊंगा, सारे कॉन्टिनेंट के सारे रिवर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, पहली नदी है अमेज़न नदी। तो चलिए दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, यह नदी पेरू के रियो पंटारो से निकलती, कहां से, पेरू के, पेरू एक देश है वहां से निकलती, ठीक है, पेरू से निकलती है। उकाइली नापो, उकाइली नदी और नापो नदी, ठीक है, के संगम, जो अमेज़न नदी होते उसको स्टार्टिंग में नाम अमेज़न नहीं होता, ठीक है, जब जब दो नदियां आपस में, कौन कौन सी नदी है, उकाइली नदी और नापो नदी के संगम से अमेज़न नदी कहते हैं, ठीक है, जब दो नदियां आपस में मिलती तो वहां पे क्या होता है, अमेज़न नदी कहते हैं, ठीक है। यह नदी पेरू, अच्छा ठीक है, अभी कौन कौन से देश में ये बहती है तो वो देखते हैं, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर और बोलोविया और ब्राजील, बोलीविया और ब्राजील देश में इसका अपवाद तंत्र पहले, अब बात करते हैं अपवाद तंत्र, ठीक है। देखो पहले कौन कौन से देश में जाती है, तो पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया और ब्राजील देश में इसका अपवाद तंत्र फैला। अच्छा बात आती है अपवाद तंत्र, अपवाद तंत्र क्या होता है, जैसे कि कुछ नदियों के सहायक नदियां होती, ठीक है, तो अब जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये मान लो अमेज़न जा रही है ऐसे, ऐसे आप जाके एक यहाँ आ गई, एक ये नदी मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये सारे देश हैं, अलग अलग देश तैयार है, ठीक है, ये सब, तो ये अपवाद यहां से भी जा रही, इसमें मिलेगी इसमें, तो ये ऐसा क्या होगा, इसका अपवाद तंत्र हो गया, ठीक है, इन सब जगहों से जा रही, अलग अलग जगहों से अलग अलग देश से जा रही, तो इसको अपवाद तंत्र बोलेंगे, ठीक है, कि इसके देश में इसका अपवाद तंत्र फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ी नदी है, ये अच्छा विश्व में सबसे बड़ी, अगर लंबी पूछे तो नील नदी है, लेकिन अगर विश्व में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पूछे तो ये, ठीक है, लार्जेस्ट सॉरी, ठीक है, सबसे बड़ी ये आपकी विश्व की सबसे लंबी, अगर लंबी पूछ रहे हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट तो कौन सी होगी, वो होगी ये लार्जेस्ट है, ठीक है। इसके किनारे लेट, अब देखो इसके किनारे कौन कौन से शहर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि अमेज़न नदी किनारे कौन कौन से शहर बसे, कौन सा शहर बसा है, इनमें से कौन सा शहर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं। तो इसके किनारे लेटिसिया, मनोस और ओबिडास तथा अमेज़न के मुहाने पर मकापा शहर, अब क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि अमेज़न के मुहाने पर कौन सा शहर है, ठीक है, तो अमेज़न के मुहाने पर मकापा शहर और इसके किनारे कौन से है, लेटिसिया, मनोस, ओबिडास तथा अमेज़न मुहाने, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से बनेगा आपका कि अमेज़न के किनारे कौन सा शहर है, तो ये आपका याद करना है कि अमेज़न किनारे मकापा शहर स्थित है, ठीक है। यह नदी उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती, कहां गिरती है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। उसके बाद दोस्तों इसकी सहायक नदी कौन सी है, मडीरा, इसकी सहायक नदियां जापुरा, नेग्रो, जूरो, जुरोगा और कई सारी आदि नदियां हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिख दिए हैं, आपको बता दिया, तो ठीक है दोस्तों। ये जो मडीरा नदी है ये एक फैक्ट है, ये भी आपको फैक्ट जानना है, यह विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदियों में कौन सी, यह विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी, जो भी सहायक नदियां होती है, अमेज़न की यह सहायक नदी है, ये विश्व की सबसे बड़ी, पूरे विश्व में सबसे बड़ी, ठीक है, सहायक नदी है। उसके बाद अमेज़न नदी के किनारे सदाबहारी वन पाए जाते, कैसे वन पाए जाते, सदाबहारी वन पाए जाते हैं, और जिसे सेल्वास कहते हैं, ठीक है, सेल्वास कहते हैं, कौन से देश में, ब्राजील, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट इसका कहां पे, ब्राजील, सेल्वास, ब्राजील, ठीक है, ये इसका है। उसके बाद दोस्तों आते हैं, ये होगी अमेज़न की बात, उसके बाद दोस्तों आते हैं पराना नदी के बारे में, तो पराना नदी के बारे में बात करते हैं, यह ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना में बहती है, तो पराना कौन से देश में बहती है, ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना में बहती, पराग्वे नदी में मिलती है, ठीक है, पराना नदी कहां कहां जाती है, ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना में बहती और पराग्वे नदी में मिलती है, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका की दूसरी लंबी नदी है, अब लंबी में देखो, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी, यह पराग्वे और अर्जेंटीना, यह पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बनाती है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि कौन कौन से देश के बीच में पराना नदी जो है सीमा बनाती है, तो कौन कौन से देश के बीच में, पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में, ठीक है,
तो ये हो गई पराना की बात। उसके बाद दोस्तों बात आती है उरुग्वे नदी। उरुग्वे नदी यह नदी ब्राजील अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। अभी यहां तक पराग्वे अर्जेंटीना की, अब आ गया ब्राजील, तो पहले कंफ्यूजन हो, एक एक लर्न करिए। इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में लिखा, डिफिनेशन टाइप में लिखा कि आप आराम से एक बार नहीं दो बार तीन बार सीट देखिए, अच्छे से देखिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उरुग्वे नदी, यह नदी ब्राजील अर्जेंटीना की सीमा पर बहती है। अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमा बनाती है। यह रियो डी प्लाटा में गिरती है। कहां गिरती है? तो रियो डी प्लाटा में गिरती है, दक्षिण अटलांटिक। तो कौन से ये जो ओशियन है वो दक्षिणी अटलांटिक, यहां पे क्या था उत्तरी अटलांटिक था, यानी ऊपर की साइड और इसके नीचे के साइड, ठीक है। तो ये दक्षिण रियो डी प्लाटा में गिरती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते सलाडो नदी, यह नदी इंडीज का, अच्छा तुमको आपको पता होगा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसमें सबसे बड़ा पर्वत कौन सा एंडीज है, ठीक है। इसमें एक पर्वत इसके एंडीज कार्डिलेरा। अब कार्डिलेरा क्या है? तो छोटे छोटे पर्वतों का ग्रुप्स, ठीक है, छोटे छोटे पर्वतों का कई जब ग्रुप्स हो जाते हैं उसको कार्डिलेरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहां मैंने साइड में पर्वत भी लिखते हैं, तो इसे कार्डिलेरा बोलते हैं। एंडीज कार्डिलेरा से निकलती है यह नदी भी पराना की सहायक नदी। अच्छा उरुग्वे, ठीक है, यह नदी पराना की सहायक नदी है, पराना की सहायक नदी है, ठीक है। इन नदियों के मुहाने पर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी, अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स स्थित है। तो सलाडो नदी किनारे किसकी राजधानी? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक है। अब ब्यूनस आयर्स को क्या कहते हैं? विश्व का बूचड़ खाना कहा जाता है, ठीक है, विश्व का बूचड़ खाना कहा जाता है। आप लोगों को बूचड़ खाना पता होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये हुई आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहां से आपको पूरे कॉन्टिनेंट की जितने भी रिवर हैं, इंपॉर्टेंट रिवर सारी पता जाएगी, कहीं से बाहर नहीं आएगा। पूरी सीट बस देखते रहिए आप, कंटिन्यू आपको सीट मिलती रहेंगी जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दबा के शेयर करें। चलिए दोस्तों थैंक यू, बाय, गुड नाइट।